आप सभी का स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में हमने राजा दुष्यंत और उसके जो मित्र विदूषक हैं उन दोनों का संवाद पढ़ा। राजा शकुंतला को देख लेते हैं और उनका मन शकुंतला विषयक अनुराग से युक्त होता हुआ नगर गमन से परिमुख हो जाता है, विमुख हो जाता है। वो नगर जाना नहीं चाहते, वापस शकुंतला से मिलने के लिए आश्रम में किस बहाने से जाएं, इस विषय में बातचीत करते हैं विदूषक से। तो विदूषक तपस्या के छठे भाग को मांगने के लिए वन में जाने का परामर्श देते हैं, लेकिन राजा मना कर देते हैं। इसी बीच दो तपस्वियों का प्रवेश होता है और वो दोनों तपस्वी राजा से आकर के निवेदन करते हैं कि हमारे जो यज्ञ है उन यज्ञ में कणों के नहीं होने के कारण से राक्षस जो हैं वो विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, तो आप साथी सहित आकर के उन विघ्नों को दूर कीजिए। राजा को क्या चाहिए था, राजा तुरंत इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और उससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। आइए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। अनुग्रहीतो अस्मि, मैं आपकी इस प्रार्थना से, आप वन में आइए, तपोवन में आइए और विघ्नों से रक्षा कीजिए, इस प्रार्थना से मैं अनुग्रहीत हो गया। विदूषक, विदूषक अपवाद है, दूसरी ओर मुख करके कहती हैं, ऐसे दानी अनुकूला ते अभ्यर्थना। विदूषक राजा से कहते हैं कि ते अभ्यर्थना अनुकूला, ऐसा है यह इदानी मैंने अनुकूला ते अभ्यर्थना, तुम्हारी प्रार्थना के अनुकूल है, अर्थात जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ है। तुम तपोवन में शकुंतला से मिलने जा रहे थे और जाने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, तो आपको ये बहाना मिल गया। राजा स्मितम कृत्वा, राजा थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। रैव तक, अरे देर तक, मदवचनात् उच्यताम सारथी, मेरे वचनों से सारथी को कहो, मेरे वचनों से सारथी को कहो कि सहबाणासनम रथम उपस्थापयेति, बाण आसन सहित रथ को उपस्थापित करे, तैयार करे। दोबारा यद्येव आज्ञापयति, जैसी स्वामी की आज्ञा। इतनी निष्क्रांत ऐसा करके जो रेवतक है वो वहाँ से चले जाते हैं। उभौ सहर्षम, दोनों हर्ष के साथ में, अनुकारिणी पूर्वेशां युक्त रूपम इदं त्वयि आपन्न भये सत्रेषु दीक्षिता खलु पौर्वा। राजा जब तैयार हो जाती हैं तपोवन की रक्षा के लिए, तो जो दो बटुक उनको बुलाने आते हैं उनकी मनस्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है और वो क्या कहते हैं, अनुकारिणी पूर्वेशां युक्तम रूपम इदं त्वयि आपन्न भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरुवा। कि पूर्वेशम अनुकारिणी, राजा को कह रहे हैं अपने पूर्व वंशजों की अनुकरण करने वाले, अपने पहले जो इस वंश में जो राजा हुए हैं उन राजाओं के अनुसार ही। त्वयि इदम युक्त रूपम खलु, त्वयि यानी तुम्हारे द्वारा, इदम यह है, युक्त रूपम खलु उचित ही है। क्या उचित है कि धर्म की रक्षा के लिए तपोवन में जो ऋषि मुनि हैं उन ऋषि मुनियों की रक्षा राक्षसों से करना, ये आपके द्वारा जो स्वीकार किया गया है यह उचित ही है। क्योंकि पौरवाः यानी पूर्वंश में जन्म लेने वाले पूर्वंशी राजा, आपन्न भये सत्रेषु, आपन्न यानी युक्त, भय सत्रेषु,
डर वाले सत्रों में, अर्थात ऐसा समय जब बहुत अधिक डर लग रहा होता है उस समय। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पुरवंशी राजा आपत्ति से पीड़ित होने पर उन आपत्ति से दूर निकालने में, उस आपत्ति से दूर निकालने में दीक्षित आयन व्रतनिष्ठ रहते हैं अथवा तत्पर रहते हैं या बहुत दक्ष होते हैं, चतुर होते हैं। अपने पूर्वज का अनुसरण करने वाले, तुम्हारे द्वारा यह कृत्य अर्थात तुम्हारे द्वारा धर्म की रक्षा के लिए तपोवन में जो राक्षस हैं उनके उनसे यज्ञ की रक्षा के लिए जो यह आपके द्वारा आचरण किया गया है, जो हाँ की गई है अथवा जो संकल्प लिया गया है, यह आपके द्वारा उचित ही किया गया है, क्योंकि पूर्वंशी जो राजा है वो निश्चय ही आपत्ति से पीड़ित जो लोग होते हैं अथवा आपत्ति से पीड़ित जो कष्ट से युक्त जो यज्ञ के शत्रु होते हैं उन शत्रुओं की रक्षा करने में बहुत ही व्रतनिष्ठ रहते हैं अथवा चतुर रहते हैं। राजा सत प्रणाम, राजा प्रणाम सहित गच्छन्तौ पुरौ भवन्तः, आप चलिए, अहम् अप्य अनुपदम् आगतैव, मैं भी आपके पीछे आ ही रहा हूँ। उभौ विजयस्व, आप दोनों की जय हो, ऐसा कहते हुए जो आश्रम के जो बटुक हैं, ब्रह्मचारी हैं, आश्रम के जो तपस्वी हैं, निष्क्रांत वो निकल जाते हैं। राजा माडव्य अप्यस्ति शकुंतला दर्शनी कौतूहलम, माडव्य हे माडव्य, राजा पूछते हैं कि हे माडव्य अप्यस्ति अभी भी है शकुंतला दर्शनी कौतूहलम, शकुंतला को देखने का कौतूहल, क्या अभी भी आप शकुंतला को देखना चाहते हैं? विदूषक कहती हैं प्रथम सपरिवार हमारे, पहले तो बहुत अधिक था, पहले तो बहुत अधिक था, मैं देखना चाहता था, भरपूर उत्साह था, इदानीम राक्षस वृतांत न बिंदुरपि नावशेषिता, अब राक्षस के वृतांत को सुनकर के एक बिंदु मात्र भी शेष नहीं रहा। सपरिवार हम असी राक्षस वृतांत न बिंदुरपि नावशेषिता, एक राक्षस के वृतांत से अब एक बिंदु भर भी मेरा कुतूहल नहीं रहा है, उत्साह नहीं रहा है शकुंतला को देखकर। राजा कहते हैं माँ भेषी डरो मत, यानु मत समीपे वर्ती से, आप तो मेरे पास में रहोगे ना, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। विदूषक कहते हैं ऐसा राक्षसात रक्षितो अस्मि, यह मैं राक्षस से रक्षित हो गया हूँ, अर्थात मेरी रक्षा हो गई है। द्वारिका, द्वारिक जो होता है द्वारपाल है, वो कहता है कि सज्जो रथो, रथ तैयार है, भर्तृ हे स्वामी विजय प्रस्थानम अपेक्षते, आपकी विजय प्रस्थान की अपेक्षा कर रहा है, रथ तैयार है, आपके विजय प्रस्थान की अपेक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है। ऐसा पुनर्नगरात देवी नाम अज्ञप्ति हरह गर्भ का आगत, ऐसा यानी यह पुनर् यानी वापस, नगरात नगर से देवी नाम अज्ञप्ति हरह गर्भ का आगत, देवी नाम अज्ञप्ति हरह, देवियों का समाचार लेकर के, माता का समाचार लेकर के गर्भक आया है, ऐसा द्वारपाल सूचना देता है कि राजा आपका रथ तैयार है, और ऐसे में सूचना मिलती है कि नगर से गर्भक नाम का कोई वाहक समाचार को लेने वाला राजा को लेने के लिए, किनका समाचार लेकर के, देवी का समाचार लेकर के, उनकी माता का समाचार लेकर के उनके पास में आया। राजा सादरम किम अम्बा भी प्रेषित है, क्या माता ने भेजा है? दोबारे का अत किम, उसके बाद में क्या? ननु प्रवेशता, चलो कोई ठीक, कोई बात नहीं, आप उनको प्रवेश कराइए। द्वारिका, द्वारपाल जो है तथा वैसा ही करता है, अर्थात राजा के कहने के अनुसार प्रवेश कराता है, इतने निष्क्रम में करभक के अनुसार प्रवेश, निकल करके और करभक के साथ प्रवेश करके, ईसा वार्ता उत्सव, ये स्वामी है, आप इनके पास में जाइए। करभक जयतु जयतु भरता, स्वामी की जय हो, स्वामी की दिव्य आज्ञा पति, देवी आज्ञा देती है, जो करभक है वो राजा को संदेश सुना रहे हैं देवी का, कि देवी आज्ञा देती है कि आगामी चतुर्थ दिवसे आने वाले चौथे दिन प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति, मेरे उपवास की पारणा होगी, अर्थात मेरे उपवास का उद्यापन होगा, आने वाले चौथे दिन मेरे उपवास का पारणा होगी, पारणा का मतलब होता है कि जो उपवास है उसका उद्यापन होगा, तत्र दीर्घायुष्यम संभावनीय, वहाँ पर आपका होना आवश्यक है, वहाँ बड़ी पुत्र का होना अर्थात आपका
आपकी उपस्थिति वहां आवश्यक है, ऐसा आदेश दिया है। किसने? देवी ने, दुष्यंत की माता ने ऐसा आदेश दिया है कि एक चौथे दिन व्रत की पालना होगी, व्रत का उद्यापन होगा, उसमें आपका वहां होना जरूरी है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर एक प्रश्न पहले से भी बनता आया है और अभी भी एक छोटा प्रश्न बन सकता है दो नंबर का, कि राजा दुष्यंत के पास में माता का संदेश लेकर कौन आता है? तो इसका उत्तर होगा, माता के पास से राजा के पास संदेश लेने के, संदेश देने, माता का संदेश देने नगर से करभक नाम का एक सेवक आता है, जो राजा को यह संदेश देता है कि रानी ने अथवा माता जी ने आपको बुलाया। अब राजा जो है, राजा के लिए दो कार्य हो गए, एक तरफ तपस्वी का कार्य और दूसरी तरफ माता की आज्ञा। तो इधर तपस्वी कार्य, राजा कहते हैं एक तरफ तो तपस्वी का कार्य, इतो गुरुजन आज्ञा, और इधर गुरुओं की आज्ञा, ना तो गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है और ना माता के कार्यों की अवहेलना की जा सकती है। द्वयम अपि अनतिक्रमणीयम्, दोनों ही लांघने योग्य नहीं है, दोनों ही मान्य योग्य, किमत्र प्रतिविधेयम्। तो इसमें क्या करना चाहिए? विदुषक कहते हैं त्रिशंकुरिव अंतरातिष्ठ, त्रिशंकुरिव, त्रिशंकु की भांति बीच में ही ठहरे रहो, इधर जाओ तो कुआ, इधर जाओ तो खाई, देखो सोचो क्या करना है, मुझे नहीं पता, त्रिशंकु की तरह से आप लटके रहिए, सत्यम आकुल उसमें। यह बात सत्य की बहुत ही मैं दुखी हो गई, क्यों? कृत्यो भिन्न देशत्वा द्वेदि भवति मे मनः पुरः प्रतिहतम शैले श्रोता श्रोता बहुमूल्य था। राजा श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि वास्तव में मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, कृत्यो भिन्न देशत्वा, जो ये दोनों करणीय कर्म है, गुरु की आज्ञा और इधर की तरफ जो राक्षसों से यज्ञ की रक्षा स्वरूप जो गुरुजनों का कार्य है और उधर माता की जो आज्ञा है, ये दोनों जो कार्य हैं, इन कार्यों के भिन्न देशत्वा अलग अलग स्थान पर होने के कारण से मीमना मेरा मन शैले प्रतिहतम श्रोतवा, शैले पर्वत के बीच में आ जाने से प्रतिहतम टकराने वाले, श्रोतवा श्रोतः यथा नदी के स्रोत की भांति, अर्थात मेरा मन सामने स्थित पर्वत से टकराने वाली नदी के स्रोत की तरह क्या हो गया है? द्विधि भवति, दो भावों में बट गया है, अर्थात द्विधा भाव से युक्त हो गया है। जैसे बहने वाले एक नदी के जल के, जल की धारा के बीच में यदि समुद्र आ जाता है तो जल की धार दो दिशाओं में बहने लगती है, इसी प्रकार से मेरा मन है वो भी द्विधा भाव से ग्रसित हो गया है। मुझे क्या करना चाहिए? वास्तव में मैं बहुत दुखी हूँ। राजा विचिंत, राजा सोच करके कहते हैं, सखे हे मित्र, त्वं वया पुत्र इति प्रतिगृहता है, तुमको माता ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, अतो भवान इति प्रतिनिवृत्त, इसलिए आप यहाँ से लौट करके तपस्वी कार्य व्यग्रमांस माम आवेद, तपस्वियों के कार्य में लगा हुआ मुझे मेरे विषय में माता को बता करके पुत्र प्रत्यम अनुष्ठातुम अर्हति, पुत्र के कार्य को कर सकते हो। राजा ऐसा विदुषक से कहते हैं कि तुमको भी माता ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, तो आप यहाँ से लौट करके और वहाँ जा करके तपस्वी के कार्यों में लगा हुआ मुझे बता करके और आप माता के कार्य को कर सकते हैं। विदुषक, नकल उमाम रक्षो वीरुकम गणेश, आप मुझे कहीं डरपोक तो नहीं समझ रहे हो, राक्षसों डरना वाले तो नहीं समझ रहे हो? राजा मुस्कुरा जाते, कहते कथम एतद् भवति संभाव्यते, ये कैसे हो सकता है, आप तो राक्षसों से बिल्कुल ही नहीं डरते हो। विदुषक, यथा राजा मुझे न गंतव्यम तथा गच्छा, तो जैसे एक राजा का छोटा भाई जाता है तो इसी प्रकार से मैं भी जाता हूं। राजा, ननु तपोवनोपरोध परिहरणीय इति सर्वान अनुयात्रिकांस त्वयैव सह प्रस्थापयामि, विदुषक सगर्वं तेन हि युवराजु अस्मि इदानीं समये, ननु यानी निश्चित रूप से तपोवनों पर उधा परिहरणीय, तपोवन का उपरोध, तपोवन में जो तपोवन को जो इन्होंने घेरा हुआ है, तपोवन में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उस बाधा को हमें दूर करना है, इसलिए सर्वान अनुयात्रिकां, जो भी अनुयात्री मेरे साथ में आए हैं शिकार के लिए, उनको त्वया सह एव प्रस्थापयामि, तुम्हारे साथ ही भेज रहा हूँ। विदुषक सगर्व, विदुषक गर्व के साथ कहते हैं,
तेन के युवराजो अस्मि इदानीं संवृतः, तो अब तो मैं युवराज बन गया हूँ, युवराज की तरह से जाऊँगा। राजा स्वागतम, राजा अपने मन में सोचते हैं चपलू अयम वटु, ये जो माधव्य है ये बहुत चतुर है, यह वटु बहुत चतुर है। कदाचित अस्मत् प्रार्थना अंतःपुरेभ्य कथयेत्, कदाचित अस्मत् प्रार्थना अंतःपुरेभ्य कथयेत्, कभी कभी ये हमारी जो मेरी शकुंतला विषयक प्रार्थना है इसको यह अंतःपुर की रानियों से जाकर के कह दे, ऐसा हो सकता है क्योंकि यह बहुत चतुर है। बहुत ठीक है, एनम वच्च, इसको ऐसा कह देता हूँ, विदूषकम् हस्ते गृहीत्वा, विदूषक के हाथ को अपने हाथ में लेकर के प्रकाशम कहते हैं, वैसे अरे मित्र ऋषि गौरवाद आश्रम गच्छामि, मैं तो ऋषि गौरव के कारण से आश्रम में जा रहा हूँ। न करु सत्यमेव तापस कन्यायाम अभिलाष, कि तपस्वी कन्या, मैं सत्य कह रहा हूँ कि तपस्वी कन्या में मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। देखो भाई, ये मैं ऋषि गौरव के कारण से वहाँ वन में तपोवन की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, कहीं ये सोचो कि वो तपस्वी कन्या है उसके कारण से मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा समझाती राजा विचिन। राजा सखी त्वयंबया पुत्र इति प्रतिगृहीत, राजा सोच करके कहते हैं कि हे मित्र, तुमको अम्मा ने पुत्र के रूप में ग्रहण किया है, तो आप यहाँ से जाकर के तपस्वी कार्य के विषय में कह करके आप माता का कार्य कर सकती हैं, ऐसा उन्होंने पहले कहा है। भाई तपोवन में क्रोध भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कहने के बाद आगे राजा को समझ, राजा जो है वो दूसर को समझाते हुए कहते हैं कि देखो ऐसा कहाँ है भाई, मेरी शकुंतला के प्रति अभिलाषा ऐसी कुछ भी नहीं है। क्यों? कि परोक्ष मनमथो मृगसावई समेधितो जन परिहास विजल पितम सखी परमार्थेन न कर जाता। क्वय परोक्ष मनमथो मृगसावई समेधितो जन परिहास विजल पितम सखी परमार्थेन न कर जाता। सखे हे मित्र क्व वयम, कहाँ तो हम लोग, मृगसावई सममेधिता और मृग के हिरणों के साथ में बड़ी हुई पली हुई, परोक्ष मनमतः जनम क्व, और कहाँ ये परोक्ष मनमत, परोक्ष काम वाले लोग, शांत प्रवृत्ति वाले शकुंतला के जैसे लोग, ये तपस्वी लोग, कहाँ तो हम लोग, कहाँ तो हम राजा लोग, और कहाँ ये वन में रहने वाले जिनका काम से कोई लेना देना नहीं है, कहाँ ऐसे भोले भाले लोग। परिहास विजल पितम वचन, मैंने जो ये आपसे हंसी मजाक में जो भी बात कही है उन्हें परमार्थेन न ग्रह्यता, उन्हें आप सत्य मत मानिए। अर्थात हे मित्र, कहाँ हम नगर में रहने वाले, कहाँ हिरणों के बच्चों के साथ में बड़ी हुई, सर्वथा काम भाव से अनभिज्ञ ये शकुंतला, मित्र परिहास में कही हुई जो मेरी बात है इसको आप सत्य मत मानना। ऐसा जो राजा है वो राजा समझाते हैं विदूषक को, अत किम, इसके बाद में क्या है, क्योंकि द्वितीय अंक का यहाँ पर दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। और ऐसा कहकर कह करके विदूषक जो है वहाँ से सभी निकल जाते हैं। तो ये लास्ट में जो श्लोक दिया गया है, इस श्लोक में वियोगनिक नामक छंद है, वियोगनी छंद का लक्षण होता है विषमी ससजा गुरु समी सवरा लोवत वियोगनी मता, जिसके विषम चरणों में सगण सगण जगण तथा एक गुरुवर और सम चरणों में सगण भगण रगण तथा एक लघुवर लघु और एक गुरुवर होता है उसे वियोगनी या सुंदरी छंद कहते हैं। और इस छंद का प्रयोग इस श्लोक में हुआ, इस वाले श्लोक में क्वयम क्वय परोक्ष मनमतो मृगसावई समेधितो जन परिहास विजल्पितम सखी परमार्थेन न ग्रह्यता, इस श्लोक में इसका प्रयोग हुआ है। तो द्वितीय अंक समाप्त होता है, तृतीय अंक के विषय में अपन अब थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि वीडियो छोटा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में फिर देखते हैं। तथा पृषति कुशान आदाय यजमान शिष्य, तीसरे अंक में उसके बाद में कुशों को लेकर के यजमान शिष्य का प्रवेश होता है। शिष्य अहो महानुभाव पार्थिव दुष्यंते, अरे महानुभाव राजा दुष्यंत, प्रविष्ट मात्र एव आश्रम तत्र भवति राजनी निरुपद्रवाणी न कर्माणी प्रवृत्तानि भवन्ति, हे महान राजन, आपके प्रवेश मात्र से ही
हमारा जो तपोवन है, हमारे तपोवन में होने जो होने वाले जो कार्य हैं वो सारे निरुपद्रव हो गए हैं, उपद्रव से रहित हो गए। आपके प्रवेश करते ही आपका इतना प्रताप है। का कथा बाण संधानी जया शब्देने व दुरुतः हूंकारेण धनुष स ही विघ्नम अपोह। तो राजा ने कैसे विघ्नों को दूर कर दिया उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्या वर्णन किया गया है कि बाण संधाने का कथा, बाण संधान करने की क्या कहें, अर्थात धनुष पर बाण चलाने की तो बात ही क्या। ही निश्चित रूप से सह जया शब्दे ने वो दूर था, उस राजा ने केवल धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से ही मानो दूर तक, दूर से ही हुंकारेण इव मानो हुंकार की भांति विघ्नान अपोहति विघ्नों को दूर कर दिया है अथवा विघ्नों को दूर कर देता है। अर्थात जो राजा है वो राजा विघ्नों को केवल मात्र हुंकार मात्र से ही, धनुष की टंकार जो है उस टंकार स्वरूप हुंकार से ही मानो उन्होंने सब विघ्नों को नष्ट कर दिया है। विद्यार्थियों आज हमारा वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। अगले वीडियो के साथ